Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 11.1 chapter construction है और 11.1 exercise का ये 5th question है which is last question of this exercise. Students, question में अंदर किंदर क्या है? Construct an equilateral triangle. हमें एक equilateral triangle बनाना है. Equilateral triangle कौन सा होता है जिसकी तीनों साइडें जिस triangle की तीनों साइडें बराबर हो. Given its side, अगर इसकी साइड आपको दे रखी है, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दे रखी है, मान लिया कि हम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरीके से ले लेंगे, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और उस उसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि भाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, इसको जस्टिफाई भी करना है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास, मैं बोर्ड पर बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, उसका 4 गुना ले रहा हूँ, जो आप पेज पर लेंगे उसका 4 गुना. तो अगर आप 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो मेरे मैं 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लेंथ लूँगा, आप 4 सेंटीमीटर लीजिएगा. ओके, तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कीजिए. 16 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो एक तरीके से 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी. ठीक है, नहीं मैं क्या करूँगा, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, 6 गुना ले लेता हूँ. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 24. अभी देखें 24 कितना बनता है, 24 भी छोटी बन रही है. तो चलिए 10 गुना ले लेते हैं. वाइट बोर्ड पर कंस्ट्रक्शन छोटी दिखाई देगी आपको. 10 गुना ली मैंने ली 40 सेंटीमीटर, आप लेंगे 4 सेंटीमीटर. मैंने 10 गुना लिया है तो ये एक तरीके से 4 सेंटीमीटर हो जाती है. ठीक है, दोबारा देखता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ. हाँ जी है, तो ये 40 सेंटीमीटर, तो आप 40 सेंटीमीटर लीजिएगा, ये आपको तो 4 सेंटीमीटर ही नज़र आ रही होगी, है ना. तो ये 4 सेंटीमीटर ली मैंने, और इस पर अब 60 डिग्री एंगल बनाएंगे दोनों ही पॉइंटों पर. अगर मैं ये पॉइंट लूँ ए और ये पॉइंट लूँ मैं बी, तो ए और बी पर हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के. तो 60 डिग्री एंगल बनाते हैं दोनों तरफ. तो पहले कंपास की नोक रखिए ए के ऊपर, मैंने ए पर रखी और इस पर 60 डिग्री एंगल बनाने जा रहा हूँ. तो जो आप कंपास से बना सकते हैं वो कंपास से ही बनाइए. ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूँ ए बी सी, ठीक है, तो फिर मैं ये 0 डिग्री हुआ, यहाँ पर रखूँगा 0 डिग्री पर, और एक आर्क लगाऊँगा और वो 60 डिग्री होगी, ये 60 डिग्री हो गई. राइट, अगर ये पॉइंट ए बी सी डी लिया जाए तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ. ये वर्टेक्स था, इसको इससे मिलाया, ठीक है, ए को डी से मिलाया तो ये लाइन ड्रो हुई है. इसी तरीके से यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो बी के ऊपर आप अपने प्रकार की नोक रखिए और फिर इसके ऊपर एंगल बनाइए. अब आप कोई दूसरी मेजरमेंट लेंथ बढ़ा कम कर सकते हैं, मैं उतनी ही ले रहा हूँ. ये पॉइंट आ रहा है, इसको करने पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसे करते हुए क्या हो कि ये पॉइंट हमने सी लिया था और इसी पर रखकर आर्क लगा दो, आप गलत हो जाएगा. ए बी सी डी, ये पॉइंट अगर मैं ई मानूँ तो अब मुझे ई के ऊपर रखना है, ई के ऊपर रखा और उतनी ही खोल के ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बना दिया. ठीक है, ए बी सी डी ई, ये लिए ले लिया पॉइंट एफ, एफ को बी से मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. ये दोनों पॉइंट जहाँ पे काटे उसको पॉइंट को मान लेते हैं जी. तो जी ए बी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है,
लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है 60 डिग्री कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो वो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री के हैं। इन ट्रायंगल जी ए बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होने वाला है एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो ए हमारा 60 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन से है, बी भी 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन से है, एंगल जी निकाल लेंगे 180 डिग्री, तो एंगल जी की वैल्यू कितनी आएगी 60 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये भी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर में हो जाएगा ए जी, क्यों, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये भी 60 डिग्री हमने निकाल लिया ना, तो 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, तो ये 60 डिग्री है और क्या करेंगे हम, ये इसके सामने एंगल ये दोनों 60 डिग्री है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज एंगल ए बराबर में एंगल जी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने की जो साइड है वो कौन सी है, इस जी को छोड़ दिया बच्चे, पॉइंट ए एंड बी, ए बी, ओके, और ए जी, ए जी के अपोजिट जो एंगल है 60 डिग्री है, ये ए जी लिया ना हमने, ए जी की बजाय हम ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेट अ मिनट, हमने जी लिया है, एक ये लिया हम, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, एंगल बी भी तो 60 डिग्री है, तो देखिए जी के अपोजिट जो साइड है वो ये है, पी के अपोजिट जो साइड होगी, बी को छोड़ दिया बचा पॉइंट ए एंड जी, ए जी, तो जिसकी वजह से ए बी ए जी के बराबर हो जाती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार से तीनों ही एंगल इक्वल है ना, ए बी बराबर हो जाती है बी जी के, और ए बी इक्वल टू ए जी इक्वल टू बी जी, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल जी इक्वल टू 60 डिग्री। जब तीनों साइडें बराबर हमने प्रूव कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हेंस ए बी जी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी कर दी है कंस्ट्रक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, हमने क्या लिया अपनी तरफ तरीके से, अपनी तरफ से 4 सेंटीमीटर लिया, 4 सेंटीमीटर लेकर के ए पर 60 डिग्री बनाया, बी पर 60 डिग्री बनाया, दोनों आपस में काटते हैं, ये पॉइंट जी आता है, तो ये जी पॉइंट जो है हम प्रूव कर देंगे कि ये भी 60 डिग्री है। कैसे, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों की वैल्यू 60 है, तो जी की वैल्यू भी 60 आ गई, 120 इधर जाके माइनस हो गया, 60 डिग्री आ गई। अब क्योंकि साइड्स ट्रायंगल के अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होंगी, अगर उनके एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, जिसकी वजह से ये साइड इस साइड के बराबर हुई। इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ये साइड है इस साइड के बराबर है, तीनों साइडें बराबर हो गई और तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाता है, तो ये जस्टिफिकेशन हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, उसको बड़े ही ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है वो, तो अच्छे से समझिएगा उसको, उसकी भी कुछ तरीका है, लॉजिक है। वी विल मीट, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्रेस आइकन बेल आइकन जरूर दबाइएगा।